दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है, जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके शयन कक्ष में, जिसके कमरे के अंदर, जिसके पलंग के पास में कोई दवाई या गोली नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। सोने से पहले चार गोलियां खाना पड़ रही है, सोने से पहले नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, रोज सोने से पहले चार गोलियां खाना पड़ रही है। तो दुनिया के आप कितना भी आपने धन कमाया है, पर आप सेठ नहीं कहलाओगे, आप सेठ नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है, आपके पलंग के पास कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, सुबह उठते हो आराम से, सोते भी आराम से हो, बस बिना गोली के भी आराम से मोबाइल बंद करा, सोए और नींद आ गई, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। तुम सो रहे हो, रात भर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात भर वहां से पैसा आया कि नहीं आया, फैक्ट्री में काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने ये काम करा कि नहीं करा, वहां से आने वाला था वो आया कि नहीं आया, उसने ये करा कि नहीं करा, रात भर जाग रहे हो, दिमाग तुम्हारा रात भर चल रहा है, तो तुम सेठ नहीं कहला सकते। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई, कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो, अगर कम मिला कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो, जैसा मिला। एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है, 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है, और 1 करोड़ रुपये कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता, बोलो खाता है कि नहीं खाता। तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते, पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छे अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है। शुगर की बीमारी कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी होती क्यों है, केवल भूखे रहने से, समय पर भोजन ना करने से आपकी शुगर ऊंची नीची होती रहती है। कभी डॉक्टर से पूछना बीपी की बीमारी क्यों होती है, समय पर ना खाना, ना जागना, ना सोना, काय की जिंदगी जीना, फिर फुल एंजॉय की जिंदगी जी, जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे, इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है, केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिनके बच्चे गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी जया विषहरा शामली बारी दौतली देव शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है, क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने को, अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है।
छह वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की, मात्र छह वर्ष की अवस्था, और छह वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोलबम का नारा है और बाबा ये सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब यह है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो, भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सकें, उसका मतलब ये है।